दोस्तों, स्वागत है आपका गांव और पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में। और कुछ इस प्रकार से काफ़ी हरियाली छाई हुई है यहाँ पर। कुछ एक नीचे छोटा सा गांव बसा हुआ है जो कि पहाड़ों से काफ़ी सुंदर लग रहा है। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पेड़ आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसके लिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो आपको ये पेड़ दिख रहा है सामने, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है, ये जो पेड़ है यह है काफल का पेड़, जो कि उत्तराखंड में काफ़ी पसंद किया जाता है। यानी इसके फल होते हैं जो काफ़ी पसंद किए जाते हैं। ये जो छोटे छोटे आपको दिख रही है अभी कच्चे फल है काफल के, ये पकते हैं दोस्तों मई और जून में। ये बारिश के मौसम के कारण थोड़े जो बच जाते लास्ट में थोड़े कच्चे रह जाते हैं। मतलब काफल को इतना पसंद किया जाता है दोस्तों यहाँ पर, कि जो मतलब यहाँ के निवासी थे वो पलायन कर गए, शहरों में जाकर बस गए। जब मई जून का महीना आता है तो काफल का फल खाने के लिए इन जंगलों में आते हैं। मतलब इतना पसंद किया जाता है दोस्तों ये। और कुछ इस प्रकार से सीढ़ीनुमा खेत आपको दिख रहे होंगे ये, जो कि अब बंजर है। इसका एक कारण है पलायन दोस्तों। जिनके ये खेत हैं वो यहाँ से शहर में बस गए, इसलिए खेत खाली पड़े हैं और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जंगल उग गया, यानी कि पेड़ उग गए। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कुछ शानदार बकरियाँ, यानी कि जंगली बकरियाँ, जो इन जंगलों में ही रहती है और इंसानों को देखते ही भाग जाती है, जो कि थोड़ी कुछ अलग प्रकार से होती है दोस्तों। इनके सींग जो काफ़ी मजबूत होते हैं, जो इन जंगली बकरियों की जो फाइट होती है वो काफ़ी भयंकर होती है। अगर इंसान के यानी किसी आदमी के पड़ जाए तो शायद वो घायल होकर नीचे गिर जाए। काफ़ी मतलब ख़तरनाक होती है दोस्तों। मतलब नुकसान तो नहीं पहुंचाती है, पर अगर आगे हो के हम अगर इसे मतलब इसकी इसे परेशान करते तो ये हमला कर देती। मेक श्योर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल माई जर्नी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।